हाय मूवी शूविंस, क्या हाल चाल है जी? बहुत बढ़िया है। एक और क्रिकेट के ऊपर मूवी बनने वाली है जिसका नाम है चक दे एक्सप्रेस। इसके अंदर आपको अनुष्का शर्मा दिखने वाली है, वो बनी हुई है झूलन गोस्वामी, और जिनको एक्चुअली में सबको ही पता है, झूलन गोस्वामी ने ऐसा नाम कमाया है कि काफी सारी लड़कियों को प्रेरित किया है कि अपने मन का, अपने रुझान का कुछ भी करने के लिए। एक समय था इंडिया के अंदर जब ऐसा होना बड़ा मुश्किल था, तो ऐसी जो लड़कियां हैं वो हमेशा इंस्पायर करती थी। जैसा कि उनका कद है 5 फुट 11 इंच, वैसे ही उन्होंने ऊंचा नाम कमाया, 250 से ज्यादा विकेटें ली ओडीआई के अंदर, और उनकी लाइफ स्टोरी के ऊपर नेटफ्लिक्स एक मूवी लेके आ रहा है। मेरी समझ के हिसाब से ये एकदम राइट डिसीजन है। आपने अभी शाबाश मिट्ठू भी देखी थी मिथाली राज के ऊपर, वो ज्यादा चली नहीं क्योंकि लोग बोलते हैं कि अगर बायोपिक है तो उसके ऊपर हम पैसा नहीं खर्च करेंगे, हमें उस स्टार के बारे में काफी कुछ पता है, अनलेस एंड अंटिल बिल्कुल धोनी जैसा कुछ कमाल ना हो रहा हो। बट जरूरी नहीं कि हर बार आपको धमाकेदार चीज चाहिए होती है। अब एक और ऑल्टरनेटिव आ गया कि आपको अगर बहुत इफेक्टिव स्टोरी बतानी है, इंस्पायरिंग स्टोरी बतानी है और बहुत सारे लोगों तक भी पहुंचना है, ये सारा कमाल आजकल ओटीटी के ऊपर हो जाता है। तो बेस्ट डिसीजन है कि आपने नेटफ्लिक्स को ये मूवी बेची और उसमें एक इंस्पायरिंग स्टोरी दिखाई नेटफ्लिक्स के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों तक पहुंच पाएगी। और कुछ लोग तो खैर इसको टेलीग्राम के ऊपर भी देखेंगे, बट बारिंग दैट जो ओटीटी रिलीज है उससे इसको वाइडर रीच मिलेगी। और जिस तरीके के अभी कुछ कुछ ग्लिम्स आए हैं, कुछ टीजर टाइप आया है नेटफ्लिक्स का, इंस्पायरिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कुछ नई स्टोरी शायद हमें देखने को मिलेगी। ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं करेगी है कि सीक्रेट्स आउट ना हो जाएं कि झूलन ने क्या क्या कठिनाइयों का सामना किया था तब वो एक वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड वुमेन्स बॉलर बनी थी, और सबसे फास्टेस्ट बॉल भी शायद उन्होंने ही डाली थी अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वो राइट हैंड से बॉलिंग भी करती थी, राइट हैंड से बैटिंग भी कर लेती थी, तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके का उनका करियर रहा है। और 2018 के अंदर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। और मूवीज़ के सेट में बिहाइंड द सीन कुछ दिखाए गए हैं जहाँ पर वो खुद बता रही हैं कुछ कुछ चीज़ें, तो अगर जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो खुद सेट्स में रहता है और कुछ ना कुछ गाइडेंस देता रहता है, तो हम ये होप कर सकते हैं कि ये जो स्टोरी होगी काफ़ी ज़्यादा रियल होगी और इसको ज़रा आर्टिफिशियल फ्लेवर थोड़ा कम डाला गया होगा जो कि दिलों को फिर छूती भी है। तो मुझे तो अच्छा लगा, लेट्स जस्ट वेट कि कब आएगी। अभी अनाउंसमेंट कुछ नहीं हुई है, बट जो ये छोटा मोटा इन्होंने अटेम्प्ट दिखाया कि हम इन सुपरस्टार के ऊपर मूवी बना रहे हैं, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। तो आपको क्या लगता है कि ये मूवी चलेगी नहीं चलेगी, छक्के मारेगी चक दे एक्सप्रेस जो है, ये कितना बड़ा ऑडियंस लेके आ पाएगी नेटफ्लिक्स के लिए, कॉमेंट करके ज़रूर बताना।